आप सबको मालूम है अपराध पर नियंत्रण किया, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि समाज का सब आदमी ठीक हो जाएगा, कुछ न कुछ बायां दायां करेगा, गड़बड़ करेगा, इधर उधर करेगा, तो इन सब चीजों के बावजूद अपराध पर बहुत नियंत्रण हुआ। काहे के लिए मुर्दाबाद कह रहे हो? तो जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। या हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहां कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहां हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ तो आप भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहां पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, क्या हाल था अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि कोई इलाज होता था। जानते हो पूरे बिहार में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें एक महीना में 39 मरीज आता था, एक दिन में एक, आप जरा सोच लो। और हम लोगों ने जो अस्पताल की स्थिति बढ़ाई, अब एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। जरा जान लो, पूछ लो घर के अंदर। और पिता ठीक नहीं बनावे एक बताएगा, लेकिन अपनी माता से पूछोगे वो सही बात बतला देगी। हमको मालूम है लोग किस तरह से क्या करते थे जी। पति अंदर गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम हुआ? और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। और जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुई हैं, कितना वो समाज की सेवा कर रही हैं। लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी और लड़कियां कितना ज्यादा अब स्कूल में पोशाक योजना, साइकिल योजना, अब लड़का लड़की सब बराबर। गरीब तबके के लोग, खास करके महादलित समुदाय के और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियां प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे, 12.5% बाहर। और हम लोगों ने जो इंतजाम किया, टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयं सेवक और 30,000 लोगों को काम में लगाया कि उम्र हो रहा बाहर पढ़ाइए, फिर स्कूल भेजिए। और उसका अंजाम हुआ कि अब बाहर जाने रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर हो गई। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। एक एक आदमी को मालूम है घर से तो निकल ही नहीं पाते थे और जाने आने का कितना समय लगता था। पटना से आते थे तो कितना समय लगता था। और हमने क्या वादा किया, हमने कहा कि राजधानी पटना से जो सबसे दूर का इलाका है, खास करके किशनगंज, वहां से भी चल करके 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वो भी कर दिया। अब तो हमारा लक्ष्य है 5 घंटे का। उसके लिए और सड़क का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण, ये सारा काम कर रहे हैं। और जो अपराध पर नियंत्रण किया, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल प्रकाशित होता है, जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ, अब जान लीजिए बिहार की इतनी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या, कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही। लेकिन अब अपराध के मामलों में बिहार देश में 23वें नंबर पर चला गया, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, जान लीजिए।